कठिन है, जैसे गुरुदेव ने सिखाया और साथ साथ ध्यान लगाकर मंत्र जपना तो और भी कठिन, पर धीरे धीरे अभ्यास से सीख ही जाएंगे। तुम देख रहे हो ना? देख रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। गुरु वाल्मीकि के आश्रम के ये छोटे मोटे बालक बड़ी बड़ी विद्या सीख रहे हैं। और हम बड़े भारी असुर उन विद्याओं से अनजान हैं। यदि हम वो विद्या सीख लें तो हम बल से ही नहीं बुद्धि से भी बलवान हो जाएंगे। तो क्या उन्हें सीखने के लिए हमें भी सालों साल गुरुकुल में शिक्षा लेनी होगी? उसकी क्या आवश्यकता है? सुना है ये गुरु बड़े बड़े शास्त्रों में अपनी विद्याएं लिखते हैं, कई प्रकार के चमत्कारी मंत्र भी होते हैं उनमें। बस आश्रम में घुसकर एक बार उन्हें चुरा ले, उनकी सहायता से अभी से भी दुगनी तबाही मचाएंगे। अपने अपने घड़े भर लो, आश्रम वापस चलते हैं। मौका अच्छा है, इन छोटे मोटे बच्चों के पीछे हम भी आश्रम में घुस जाएंगे। वो चमत्कारी राख आज काम आएगी, जिसे अपने शरीर पर लगा हम अदृश्य हो जाएंगे। और चुपचाप आश्रम में घुस सब ले किताबें उठा लाएंगे। चल अपनी कुटिया में और कुछ चल रसोई घर में रखाओ। मैं भी झटपट गुरु वाल्मीकि की कुटिया में ये रख कर आता हूँ। सुना तुमने, बस उस बालक के पीछे जाते हैं। वाल्मीकि भी कितना ना समझ है, इतने मंत्र विद्याएं जानने के बाद भी यहाँ झोपड़ी में रहता है। बस एक बार सारी विद्याएं हमारे हाथ लगने की देर है, हम उनकी सहायता से खूब लूट मचाएंगे। तुम उस ओर देखो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। कुछ मिला? नहीं, वो क्या है? ओहो, जल्दी में जल को ढकना तो मैं भूल ही गया। कोई आ रहा है। पर
अभी जब मैं पहले जल यहाँ रखने आया था तब तो ये ऐसे नहीं गिरा पड़ा था। बालक तो जा ही नहीं रहा। जा नहीं रहा तो हम भेज देते हैं, हमें भला क्या है। भाई उस गुरु वाल्मीकि से है दी वो यहाँ वापस आ पहुँचा तो हम। भाई कुश, इतनी देर क्यों कर रहे हो? हम सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओहो, अभी उठा कर रख देता हूँ। मेरा पैर! कौन हो तुम? तना नहीं चाहते इसीलिए तो यूं अदृश्य हुए हैं। आपने सुना जननी देवी, गुरु वाल्मीकि की कुटिया से बहुत शोर सुनाई दे रहा था, केवल लव और कुश ही वहाँ थे। कहा था ना, आश्रम के ये बच्चे यहाँ विद्या सीख बहुत चुस्त चतुर हो चुके हैं। बस वो बड़ी किताब उठा, यहाँ से निकल चलते हैं। तो ये बात है। कुश, कहाँ है दोनों नटखट भाई? शांत हो जाएं जननी देवी, शांत हो जाएं। नहीं गुरुदेव, आप उनकी तरफदारी ना करें। देखिए तो, इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने सुना वे दोनों यहाँ बहुत कोलाहल मचा रहे थे। लव, कुश, कहाँ छिपे हो तुम? हम यहाँ हैं माँ। हाँ, ये क्या? हाँ जननी देवी, आपके पुत्र कोलाहल तो मचा रहे थे पर इन असुरों को पकड़ने के लिए। Ha 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 ha.